वेलकम गाइस। तो क्या हाल है आप सबका, हम हाजिर हुए हैं आपके सामने अपनी एक नई वीडियो एक नए व्लॉग के साथ। तो आज के व्लॉग में हमने करनी है सेल्फ कुकिंग। हमारा प्लान था आउटडोर का, मगर अनफॉर्चुनेटली मौसम बहुत ज्यादा खराब था, बारिश हुई थी कल, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कीचड़ हुआ हर तरफ, तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते। तो हमारे फ्रेंड है मलिक, शायद हमने उनके घर कुकिंग करनी है। हमारा बीफ का प्लान बना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बीफ बाय करना है और जो मसाले वगैरह होंगे वो परचेज करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसे निकालने आ गए जी। कितना निकालेंगे फंसी भाई? 5,000 काफी है ना? नहीं 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 कम होंगे, 10,000 निकाल। हाँ 10,000 निकाले। ये तो 1,000। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, 10,000 ही होते हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो अब हम लोग पैसे निकलवा चुके हैं जी, तो अब जाते हैं और चीजें खरीदने के लिए। गाय का लेना है, चिकन, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा, बीफ लेना है हमने, और देखते हैं क्या क्या लेना है, कुछ मसाले वगैरह भी लेने हैं। तो अब पहुँच चुके हैं दुकान के पास ही। गाइस अगर आपको यहाँ तक व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, फिर दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें जल्दी से, अगर आप ऐसे ही हमारे और व्लॉग देखना चाहते हैं जल्दी से। वो देखें जी, हमारे कुक पेट्रोल डलवा रहे हैं, ये आ गए हैं इधर। बात लग रही है कि जो बंदा हमारा देख रहा है इसे लाइक नहीं किया अभी तक। लाइक करें ना यार, आप लाइक करें यार जल्दी से। आप क्या जानो एक लाइक की कीमत? आप क्या जानो आप लाइक की कीमत? आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। यस, अभी हम लोग आए हैं जी सब्जी लेने, यहाँ से पहले सब्जी लेनी है और फिर चलते हैं आगे। चलो ऊपर चलो चलो चलो, यार शॉर्ट हो जाते हैं कुत्ता भी दिखाते हैं। आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? रोस्ट हमारा रेडी है, बाकी सब्जियां रेडी है, ये सब्जियों की कटिंग जा रही है। ये अब कटिंग जो है वो अमदान और अयान ने करनी है। चलो अयान इधर आ जाओ, अमदान आ जाओ। हम F120 आ जाओ सारे दोनों मिलके। ये आप दोनों का ये टास्क है कि आपने ये वाला जो है लहसुन छीलना है, इसको आता नहीं है। आता नहीं है तो करोगे तो आएगा ना, कैसे आएगा? मैं औरत नहीं। कोई बात नहीं, वो भी औरत नहीं है, सामने कटिंग कर रहे ना, ये जो हम सारे मिलके कुकिंग कर रहे हैं इनमें से कोई भी औरत नहीं है। चलो जरा यहाँ से इसको इस तरह से काट ले। मैं औरत हूँ? औरत नहीं हो तुम यार,
कुकिंग शेफ भी करते हैं, शेफ करते हैं प्रॉपर होटल में, शेफ होते हैं वो कुकिंग। ये अफसोस की बात है यार, औरत औरतें तो औरतों से तो सही बनता ही नहीं है खाना। खाना जो सारी औरतें जो जो वीडियो देख रही है ना, सारों ने डिसलाइक किया वो। औरतों से तो सही बनता ही नहीं है खाना, तो जो सही वीआईपी शेफ्स है ना पूरी दुनिया में। हां तो बड़ा औरतों में जरा करते हो मैंने देखी है वीडियो तुम्हारी। क्या करती है काम करते हो मोटी पूरी पार्टी की क्यों यार, आसान काम ये मुश्किल काम दे दिया। इधर देखो मैम, क्यों गुस्सा है? खा लो ना, सारी चीज भी खानी है तो खा लो। शादी शादी जैसे शेफ होते हैं, एक जगह इसको ऑर्डर मिल गया चावलों का, चावलों की देख बनानी है। इसने क्या किया जी, नमक की जगह सर्फ डाल दिए, सर्फ डाल दिए, पीछे देख बन रही है, अंदर से जाग बनना शुरू होगी। जाग बनना शुरू हुई है तो मंदे आ गए, जो पकवा रहे थे, जो खर्चा कर रहे थे, तो कहते ये क्या कहता है, अभी तो मैं इनको धो रहा हूँ पति के बाद में। अच्छा आपने एक बार चावलों की शुरू किया, सुना दे ये जो हमारे साथ ही बहन है, इनको चावल खाने। हाँ वो तो है यार, कश्मीरी इनको शौक है। सारी सुन रहे हो यार, बात सुनो बात सुनो। हाँ हाँ सुन रहे हैं। मैं जैसा थी भाई को ना चावल खाने का बहुत ज्यादा शौक था ना, तो एक जगह कहीं पे जो है ना देख पक रही थी वो खत्म के लिए, तो सारी जो है ना वहाँ पे गया और वहाँ पे दवा डालनी शुरू कर दी। तो वो उसको देख कहने की तू दवा डाली जा सोया, ये तो उन्हें पाक पतन लेके जाए। भाई जो है ना एक जगह चावल तकसीम हो रहे थे, तो जाके ना सुबह सुबह सबसे पहले जाके ना तो लाइन में आके सबसे पहले सबसे आगे खड़ा हो गया, उन्होंने देख दूसरी साइड से खोल दिया। एक ही करना था बस, क्या जी एक इधर करना है, अभी बहुत काम है। टमाटर अदरक दे दे, अदरक दे दे, काटनी है क्या? क्यों ऐसे काम है वो काटेंगे, सेल्फी बनाने के लिए तो नहीं लाए। सिर्फ खाना ही नहीं होता ना, असल एंटरटेनमेंट होती ही है। खाना तो बंदा रोज घर खाता है, सारे खाते हैं। होटल है ना, सिर्फ खाना रेस्टोरेंट पे चले जाओ वहाँ पे। अब हमने कुकिंग स्टार्ट कर ली है, सबने मिलजुल के काटा है, सब्जियां काटी है और हमने थोड़ा सा काम किया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और हमने थोड़ा सा काम किया मगर बाकी सबने बहुत अच्छा काम किया। जी भाई ये हमारे भाई हैं, बड़े सारे दोस्त हैं फोरम साहब, और कुछ बाकी आप जो है ये जो कह रहे हैं ना, कहते इसका मुंह जो है ना आलू गोभी खाने वाला है, लेकिन आज हम इसको जो है इन्होंने इन्होंने कुछ और वो जो एक लड़का बैठा हुआ है वो जो मुड़ के ऊपर हैं पड़ी हुई है, क्या नाम है, नाम क्या है यार, हमदान। तो हमदान ने भी कुछ नहीं किया, थोड़ा सा काम करके कहते मेरे हाथ धुलवाए, मुझे मिट्टी लग रही है। तो ये सारे जो है ना ये गंदे गंदे बंदे हैं, और ये आज ठीक बंदा जो है जितनी देर हमारी कुकिंग हो रही है उतनी देर हम छोटा सा शो करते हैं आपके सामने, जिसमें हम थोड़ी सी जगतबाजी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक लाजमी करें, अभी लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और गाइस इसका मुंह देखिए रिफ्रेश जगत होती है। लाइक करें जल्दी से। पर भाई आप भी कुछ बोले ना यार, आपका अच्छा अच्छा खासा फुटे कुदरे वाला मेरी तो अभी वो कहानी खत्म होगी है यार, कर लेंगे क्या मतलब, अभी तो मेरे ख्याल है मेरी जो सासू माँ वो भी नहीं पैदा हुई होगी। वो होगी फिर उनके बाद लड़की पैदा होगी, फिर शादी की बारी आएगी। दो भाई अभी मेरे पड़े हुए हैं, पहले नहीं पड़े हुए ना, वो आपने उठा के डब्बा में डाले, पहले उनकी शादियाँ होगी दोनों की, फिर हमारी बारी आएगी। लेकिन ये है कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो पहले भी हम कर सकते हैं। आपका मुँह ऐसे जैसे आटे में मुक्का लगा होता है। यार छोटे बच्चे ने गलत जाल बनाया होता है।
और गाइस यकीन करें कि मुनार वाली साइड पे जाए ना तो वहाँ पे अगर आप बंदूक लेते हैं तो ऐसा एक बंदा देते हैं कि मार के क्या देखेंगे, इतनी अच्छी बात निकल रही है। तो गाइस देख रहे हैं बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है और यकीन करेंगे कि स्मोक बहुत अच्छी थिंग क्रिएट हो रहा है इसका। और उन्होंने भाई को रिसेंटली एक जो है ना जगह से मार पड़ गई तो कहीं पर किसान में बंदा बहुत हो गया तो वो वहाँ पे कबर खुदाई में निकली हुई थी तो उन्होंने भाई ने वहाँ पे गाड़ी लगा के उसका आग बंद करने शुरू कर कार लेता हूँ। मुझे क्या कहते हैं शादी के बाद जो है ना मैं अपनी वाइफ की हेल्प कर सकता हूँ। शादी के बाद हेल्प नहीं करनी, वो भी करना है। मुंह तो आपका पहले भी ऐसे ही, आप किसी होटल पे काम करते हैं लेकिन चलें ठीक हो गया अब आपकी बात। और ये गाइस आप सब थोड़ा थोड़ा सीखें, ये बड़ी मतलब मजे की चीज है, ये आपको फ्यूचर में काम आएगी ठीक है ना। शादी भाई आप कैमरे का स्टैंड बना रहा है फ्यूचर में काम आएगी क्योंकि अब आने वाली जो बीवियां ना आने वाली जनरेशन में काम किसी को आता नहीं है, नूडल्स के अलावा कोई कुछ बना नहीं सकता, मसला ये तो फिर काम जो है वो घर वाले मुंह से नूडल्स बहुत बुरा लगा सच दोस्तों ना कह दे सच दोस्तों नूडल्स तो दस का है ये गाइस इसने आज तक खाई नहीं नूडल्स वगैरह, इसने बस YouTube पे देख के नाम याद कर लिया। आज इसमें जो मैंने मसाला डाला ना जी 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 जो जो खाएगा ना जी जी अच्छे तब सब याद कर नहीं जो जो खाएगा ना। अरे आपके मुंह की तारीफ नहीं है, हमें पता है कि आप नामती इंसान हैं, आप ये काम करते रहते हम आपके एक्सपेक्ट ये कर रहे थे आप इनको इनको एक जगह ऑर्डर मिला है, इन्होंने चने वाले चावल बनाने थे, ब्रेड बनानी थी नहीं है ना, तो वहां पे जाके चावल बनी है तो वो कहते हैं यार थोड़ा सा फर्क है चावलों में, तो थी फोत की आगे से कहते हैं यार और मजे के हो जाते अगर जो चने है ना ये रात को आप भिगो के रख देते। उन्होंने पकड़ के मारा है, मारा भाई सुबह मरा है। ठीक कट रही है। हाँ बेसिक। चलो गाइस आज आपको हम हमारे अहमद भाई इनकी एक बात सुनाते हैं बड़े मजे की। अहमद भाई जो है ना एक दफा एक रक्षे में बैठे बुकिंग मतलब घर के, तो रक्षे वाले ने इनसे पूछा कि अहमद भाई कहाँ जाना है, तो अहमद भाई ने उस रक्षे वाले को बोला कि आप जो है ना किसी की तरह मतलब जाने दें, तो उसने आगे से लेफ्ट लिया। अच्छा तो गाइस एक दफा जी जो सही है जनाब, आपको हम मिस करेंगे खाते हुए यार, कोई बात बाद में वीडियो देख लेना। सिर्फ इसलिए आज यहाँ पे आए थे ग्यारह गुना फाइन पास करा था, अगर वैसे इनका चैनल मैं हर बार मेंशन करता हूँ, आप उसको करते नहीं है सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये हमारे समझे पर्सनल लायर भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं और अच्छे लायर हैं, तो इस बार ये चकवाल से इलेक्शन में भी खड़े हो रहे हैं चकवाल बार से, तो अगर इनके रिलेटेड कोई भी शख्स है तो इनको वोट जरूर दें। कौन सी पार्टी से खड़े हो रहे हैं यार हमारी, इनकी जो बार के इलेक्शन होते हैं उसमें पार्टी नहीं होती है? उसमें ग्रुप्स होते हैं है? तो ये जैदी ग्रुप की तरफ से हैं, तो ये मेंबर एग्जीक्यूटिव की सीट पे खड़े हैं, तो इनको आप जरूर जो है ना वोट दें, जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग देख रहे हैं जिनके पास वोट की अथॉरिटी है तो उनको लाजमी वोट दें। चकवाल बार से वोट दे देते हैं, बार की बार में चकवाल बार वाले दे सकते हैं, लेकिन चकवाल बार वाला कोई तो देख ही रहा होगा हमारी वीडियो भी। गाइस ये देखें जी हमारी कुकिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमने अब खाना शुरू कर दिया है। गाइस ये बिल्कुल खाली कर चुके हैं, खा चुके हैं, तो अब सब के हम रिव्यू लेते हैं कि हाँ जी हम दाना आप अपना रिव्यू दो। बहुत मज़े का था, मतलब टेस्ट बहुत हैवी था, मुझे मिर्ची ज़्यादा लगती है तो मैंने लाइक इतना मुझे खाने नहीं हुआ, पर
मैंने खाया, मैंने पूरी रोटी अपनी खत्म की और बहुत मजे का था गाइस, बहुत मजे का टेस्ट था, बहुत ज्यादा मजे का। मैं एक से ज्यादा रोटी नहीं खा सकता, बेशक मेरा फेवरेट सालन पका वो, मगर यहाँ मैंने दो नान और एक रोटी खाई और बहुत ज्यादा मजे का था। कैसा बना था? बहुत जबरदस्त बना था वो, ऑलरेडी हम बाहर गए हुए थे तो हमने सबका रिव्यू लिया। अच्छा, तो बहुत मजा आया सबको। किसी नेक इंसान ने मेरी तारीफ की है कि नहीं की? सब ने की है आपकी तारीफ, आपके मेरा नाम लेके की है या नहीं? नाम तो किसी ने लिया, ये बताया। सारे चमलो सारे इतने, मैंने छोटे भाइयों के भतीजे हो, तुमको शर्म भी नहीं आई मेरा नाम किसने नहीं लिया और मैंने इतनी देर से मेहनत से कुकिंग की है। रियली अप्रिशिएट, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था और सारा क्रेडिट इनको जाता है कुकिंग के लिए। और मेड बाय, डायरेक्टेड बाय, वीडियो बाय, फोन बाय, सब कुछ फसी भाई के साथ जाता, क्रेडिट जाते हैं। बात कोई तलक नहीं, गेट आउट। इन्होंने बनाया, इन्होंने यार अल्लाह की कसम, इतनी मेहनत मेरी है और तू सारा इसको दे रहा है। मोबाइल उनका, एक बच्चे कार्ड के घंटा रोता रहा है। नहीं, इन्होंने बनाया है, इन्होंने कुक किया, इन्होंने काटा और वीडियो में मेरा बहुत सारा एडिशन होता है। हाँ यार, ये हमारे लॉयर है, बहुत अच्छे लॉयर है, लॉयर है। अभी पीछे हटो ना, जैस्मीन थी बनानी है इसके बाद। चले, सारा क्रेडिट ले जाते गाइस। हम खाना खा के फ्री हो चुके हैं और दोबारा से हमने सेटिंग पहले की तरह कर दी है। अब हम चूल्हा जलाने लगे हैं और जला के फिर हमने बनानी है जैस्मीन टी। ऑथेंटिक कहवा, हैवी किस्म का कहवा है। हैवी यार, थकावट फील हो रही है। थैंक्स टू मतलब शायद जो मैंने कहा ज़्यादा लिया आज सामने। कहवा मीठा है। है यार, आप एक एहतियात करना, आपकी नोज बहुत लंबी है, पहले टिप कर जाएगी। कभी नोज पहले टिप कर जाएगी, मुंह में पहुंचे तो पहले नाक जल जाएगी। थैंक्स थैंक्स फॉर एवरीवन, आपने आज यार टाइम निकाला तो आज कीजिए जो गैदरिंग थी, बड़ा मजा आया इसका, ठीक है ना। और एक भाई भी आए थे, इनसे तो मेरी आज पहली मुलाकात थी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट में ये पहले रेडी होके आएंगे। आज इनको आइडिया नहीं था कि इनके साथ कुछ होने वाला है, हमने इतना ज़्यादा किया भी नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट सा जो है वो इनका बनता है। और थैंक्स फॉर द कैमरा स्टैंड मिस्टर सादी, और थैंक यू क्यूट बच्चे, और ये छोटा सा वो एक और क्यूट बच्चा उधर उधर। यस थैंक यू बहुत अच्छा बीफ बातें ना तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, जरूर से लाइक करें। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और साथ जो बेल आइकन दबाया उसको भी जरूर दबाएं। जरूर जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, खुश रहें।